गुड मॉनिंग अरेवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो हमने न्यू क्लास का जो सिलेबस स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था टाइप ऑफ फ्रैक्शंस एंड लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन और टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शंस इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड लोवेस्ट फॉर्म ऑफ fraction, like fractions like लाइक एंड fractions. फ्रिकसन्स ये जो टाइप्स मैंने आपके सामने अभी रिपीट किए हैं ये हम पढ़ चुके हैं ठीक है और मैंने पहले भी कहा था आपको अगर आप मैथ की क्लास के अंदर आ रहे हो तो आपको एक बार पीछे का जो भी है उसको एक बार रिवाइज करके आना चाहिए ठीक है इससे क्या होगा कनेक्टेड रहेगा कॉन्सेप्ट तो क्या थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा नहीं तो पता ही नहीं कि हाँ हमने लास्ट फॉलेट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था हम अभी क्या पढ़ रहे हैं है ना तो वो थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा और अच्छा समय आएगा उससे आपको तो ये तो ये हमने कर लिया था ये सारा लाइक अनलाइक ना डिफिनेसन्स वगैरह ये सारा हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर कर लिया था अब हमें करना है इसका एक्सरसाइज स्टार्ट है ना तो एक्सरसाइज में देखिए आप ये अपने एक्सरसाइज इसके अंदर 2.1 से स्टार्ट करना है अब देखो आज हम पढ़ेंगे ना वो काफ़ी बच्चों के पहले पढ़ा हुआ वैसे लेकिन फिर भी हमें उसको एक बार रिविज़न के अकॉर्डिंग भी अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़े तो हमें उसको पढ़ना है तो देखो तो अपना चैप्टर टू है ना इसके अंदर एक ही काम रहेगा हमें फ्रैक्शन का एडिशन सबरेक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो है ना ये फोर कंसेप्ट है ना। हमारे दिमाग के अंदर सारे के सारे क्लियर होने चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड इज़ वेरी इजी ये दोनों बहुत इजी है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और एडिशन सब्लिक्शन है इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट है थोड़ा सा आपको कैलकुलेसन करना पड़ेगा तो वो भी ईजी है ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर ठीक है तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है वैसे एक्सरसाइज टू पॉइंट वन द फॉलोइंग अब सोल करना है सोल कैसे करेंगे अगर बीच में प्लस है तो प्लस करना है माइनस है तो माइनस करना है ओके तो ये वाला कंसेप्ट हमें इसके अंदर देखना है तो देखिए इसके अंदर जैसे मैं आपको क्वेश्चन का बताऊँ जस्ट अ सेकेंड इसका क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर थर्ड है ना नंबर थर्ड पहले कर लेते हैं एक बार ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा ना मैं नंबर थर्ड का बताता हूँ थ्री पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन है ना हम चलते हैं एक वाइट पेज के ऊपर यानी कि ब्लैंक पेज के ऊपर थ्री पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट सेवन अब सही ध्यान से समझना है इसको देखो इसको प्लस माइनस करने के थ्री मेथड है हमारे पास थ्री मेथड में से मैं आपको बता दूंगा एक बार थ्री मेथड ठीक है तो कंफ्यूज होने के सर कौन सा हम करें कौन सा क्या करना है मैं जो अभी फर्स्ट टाइम आपको करवा रहा हूँ ना आपको ऐसे ही करना है नोटबुक के अंदर ठीक है थोड़ा सा ए, ए, स्मार्ट वर्क करना है तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा ठीक है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह कम करनी पड़ेगी और आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा वो भी अपने पास मेथड है लेकिन वो आपकी बुक ना उसको फॉलो नहीं करती है आपको बुक के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा तो आपको उसी के जो रूल्स वगैरह उनको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो होता है ना वहाँ पर अगर आपने पूरा कंसेप्ट लिखा है डिटेल से लिखा है सारे स्टेप्स लिखे हैं तो ये आपको मार्क्स मिलता है ठीक है मैं आपको अगर डायरेक्ट करना है वो भी समझा दूंगा और ये भी समझा दूंगा ठीक है अब देखो इसके अंदर अगर कोई भी फ्रैक्शन है बीच में प्लस या माइनस है सबसे पहला वर्क है आपको इन दोनों का लेना है एल नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर अब जैसे मैंने लिखा फाइव और सेवन ठीक है अगर मुझे फाइव और सेवन का एल लेना है तो एल तो आपको आना चाहिए नहीं आ रहा तो मैं एक बार अभी डिटेल से बता रहा हूँ वापस ठीक है तो फाइव और सेवन लिख दिया मैंने अब देखो सबसे सब पहले किससे डिवाइड करेंगे कैसे हम तो टू से करते हैं टू से नंबर कोई नंबर ऐसा नहीं है फाइव और सेवन में जो टू से हो रहा है तो टू से करने से कोई मतलब नहीं है थ्री से थ्री से भी नहीं हो रहा है फोर से फोर से भी नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है फाइव से हो रहा है फाइव से कौन हो रहा है फाइव खुद ही हो रहा है तो कितनी बार होगा वन टाइम क्या सेवन फाइव से कम्प्लीट डिवाइड होता है नहीं होता है तो ये सेवन एज़ इट इज़ वापस आएगा जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको लिखो जो तो डिवाइड नहीं हो रहा है वो सेम टू सेम वापस क्या होगा रिपीट होगा ओके तो ये हो गया अब देखो ये वन तो हो गया इसको तो वापस आपको छेड़ना है नहीं ये तो वन का वन आ गया अब देखो और नंबर कौन सा बच रहा है अपने पास और बच रहा है अपने पास सेवन तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे अब सेवन से ये वन तो पहले सेवन है ही सेवन सेवन से कितने बार वन टाइम अगर दोनों वन हो गए तो हमारा वर्क कंप्लीट हमारा एलसीएम फाइंड हो चुका है एलसीएम कौन सा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सेवन मल्टीफाइव कितना गया थर्टी फाइव ओके तो ये अपना हो गया इसके अंदर अब आप देखिए मैं इसको थोड़ा तो सा डिटेल ले वापस, एल सी आया था अपने थर्टी फाइव राइट अब देखो इसके अंदर इसके अंदर आपको सबसे सब पहले एलसीएम फाइंड करना था एलसीएम हमारा फाइंड हो चुका है राइट अब आपको फाइव और सेवन ये जैसे लिखा ना इसके नीचे ऐसे लिख कर यहाँ पर लिखना है एलसीयम ठीक है अब सही जान से समझना है इसको इस वाले स्टेप में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कैसे देखो मैंने दोनों का एलसीएम लिया एलसीएम को यहाँ पर ऐसे लाइन की इसे बोलते हैं बार क्या बोलते हैं बार जब प्री क्लास के तुम तो पढ़ोगे तो पता चलेगा अभी के लिए इसको समझ लो उसको बार बोलते हैं अपॉर्में लिख दिया मैंने थर्टी फाइव अब देखो थर्टी फाइव जो है ना इसको डिवाइड करना है फाइव से किससे करना है फाइव से कितना आएगा सेवन उस वाले सेवन को यहाँ लिखा देखो मैंने इस वाले फाइव से डिवाइड किया इसको क्या क्या है सेवन उस सेवन को मल्टीप्लाई करना है जो इसको ऊपर लिखा हुआ है किससे करेंगे मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे ठीक है बीच में प्लस है तो प्लस आएगा माइनस है तो माइनस आएगा तो प्लस, तो प्लस और माइनस का सेम कन्सेप्ट है अगर आपने एडिशन सीख लिया तो आपका सबरेक्शन भी आपको अपने आप आ जाएगा ओके okay, ये हो गया अब मैं क्या करूँगा मैंने फाइव को सेवन फाइव से थर्टी फाइव को डिवाइड किया अब मैं सेवन से करूँगा सेवन से थर्टी फाइव को डिवाइड कितने बार होगा डिवाइड फाइव टाइम होगा कितने बार होगा डिवाइड फाइव टाइम सेवन फाइव या थर्टी फाइव अब देखो इससे डिवाइड किया तो ऊपर क्या लिखा है टू तो मैं इस टू से इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा ठीक है इस वाले स्टेप में बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है मैं आपको इसके अंदर एक बार इसका वापस आपको समझा देता हूँ ठीक है जैसे देखो जस्ट अ सेकेंड यस देखो वापस समझो इसको एक बार फाइव और सेवन का एल्सियम थर्टी फाइव दिया थर्टी फाइव थर्टी फाइव को मैंने डिवाइड किया फाइव से कितना है सेवन ये रहा सेवन इस सेवन को कैसे मल्टीप्लाई किया जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ठीक है हो गया थ्री दोनों का मल्टीप्लाई भी लिख देंगे हम बीच में प्लस तो प्लस लगा दिया थर्टी फाइव को डिवाइड करना है सेवन से कितने टाइम कितने बार डिवाइड होगा फाइव टाइम ये लिखा मैंने फाइव टू कहाँ से आया जो इसके ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ से जो ऊपर लिखा हुआ इसके पास में आ जाएगा यहाँ से जो ऊपर लिखा हुआ इसके पास में आ जाएगा ठीक है ये तो हो गया अब देखो सेवन मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी वन बीच में प्लस है मैंने प्लस लगा दिया फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टेन कितना आएगा टेन अपॉन थर्टी फाइव का थर्टी फाइव थर्टी फाइव चेंज होने वाला नहीं है अब ट्वेंटी वन प्लस टेन ऊपर प्लस करने से कितना आएगा थर्टी वन अपॉन थर्टी फाइव क्या आएगा अपॉन में थर्टी फाइव और इन दोनों का देखो थर्टी वन और थर्टी फाइव दोनों किसी सेम से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं थर्टी वन और थर्टी फाइव कोई भी ऐसा नंबर है नंबर नहीं है जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो ये अपना क्या हो गया आंसर ठीक है तो देखो मैंने थोड़ा सा इसका रफली लिखा है आपको सही ढंग से लिखना है इसको ठीक है पूरा नीट एंड क्लीन लिखना है बी क्लास के बच्चे हो तो ऐसा नहीं कि हाँ हमें तो सब सारा सब आप बना के दे दो सर ये मैंने बना के दी है वैसे आप चाहते हो तो वीडियो को पोज करो आराम से लिखो उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देख लेना ठीक है तो करना आपको सारी है मैं बता दूंगा अभी कोई बीच में छोड़ना होगा तो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया है अब आप देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल -डि से बता दिया आपको एक न्यू पेज लेकर यस अब देखिए एक मैं आपको उसको बता दूं फर्स्ट फर्स्ट चेंज द कलर दस्ट सेकंड ओके अब देखो आप टू माइनस थ्री ओपॉइंट फाइव राइट अब देखा सर यहाँ तो है ना इसके नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है हम एलसीएम लेंगे किसका नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या मानना पड़ेगा हमेशा वन क्या मानना है वन अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ होता है तो हम क्या मानते हैं वन मानते हैं ध्यान रखना डिनोमिनेटर ही आप मान सकते हो न्यूमरेटर आप नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते न्यूमरेटर वो जब हम क्लास करना पड़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा डिनोमेटर ही क्यों मान सकते हैं क्योंकि तो, दि, डिनोमेटर नीचे आ रहा है नीचे वन लिखने से कोई नीचे वन का मतलब वन से डिवाइड कर रहा हूँ मैं तो वन से डिवाइड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके अंदर ओके तो देखो ये हो गया अपना अब अप देखो वन अगर व, एक वन लिखा है एक फाइव लिखा हुआ है तो एल तो फाइव ही आना है वन के साथ में उसको एलसीएम को कभी मत लेना मत आप क्योंकि ना वन और फाइव का एल्शियम क्या आएगा फाइव ही आएगा हमेशा में वन के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है ना वही एनमे से एल्सियम आता है ऐसे टाइम वेस्ट मत करना फालतू तो में वन वगैरह लिखा रह से ठीक है ना इसका भी आंसर फाइव ही आएगा अब देखो फाइव को डिवाइड किससे करोगे वन से मैंने अभी पीछे समझाया था कितना आएगा फाइव टाइम हो जाएगा डिवाइड ऊपर क्या लिखा है टू तो टू से मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस ये लगा दिया मैंने माइनस फाइव को फाइव से डिवाइड वन ये आ गया वन मल्टीप्लाई किससे जो ऊपर लिखा है थ्री राइट फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टेन बीच में माइनस ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री ये थ्री ओके okay? और अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा अपने फाइव का फाइव टेन माइनस थ्री सेवन अपऑन फाइव क्या देगा अपॉन फाइव यह देगा इसका आंसर ओके okay? तो देखो वैसे इम्प्रॉपर है तो इसका मिक्स वैक्सन भी बनता है मिक्स वैक्सन का क्वेश्चन आया हुआ है, है हम उसी टाइम बढ़ेंगे इसको अभी ज़्यादा करोगे तो कन्फ्यूज़ जाएंगे ठीक है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है अपने को अब देखो ये तो अपना हो गया कम्प्लीट इसका अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे डिनोमिनेटर वन मानेंगे इसमें नहीं लिखा हुआ है इसके नीचे भी वन कर सकते हैं और तो बाकी सब में लिखा हुआ है इसका मैंने समझा दिया ये सेकंड नंबर मैं नहीं करवा रहा हूँ एडिशन मैंने करवा दिया आपको यहाँ पर ठीक है तो कंसेप्ट देखो तो एडिशन सब्जेक्शन का कंसेप्ट सेम ही है एलसीएम लेना लड़ना है उसके नीचे लिखना है फिर वो डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है ये सेम ही कंसेप्ट चलेगा तो ये अपना थर्ड हो गया फोर्थ देखो आप एक काम करो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप इसका नंबर फोर मत करना आप इसका नंबर फोर मत करना आप इसका नंबर सेकंड मत करना ठीक है सेकेंड और फोर्थ आपको नहीं करना है कैसा क्यों नहीं करना है क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट से मैंने करवा दिया एक एडिशन मैंने करवा दिया अब जो नीचे के जो क्वेश्चन है ना उसमें से क्या करूँगा एक तो नंबर फाइव में करवा दूँगा और एक नंबर आपके नंबर सिक्स आपको मैं करवा दूंगा ठीक है नंबर सेवन जो है ये करना पड़ेगा आपको ठीक है एक आपका होमवर्क हो जाएगा बाकी सारे मैं इसके अंदर कवर या फिर देखो ये जो एडिशन है ना ये भी आप कर सकते हो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है या फिर मैं ये बता दूंगा आपको एक ठीक है ये बता दूंगा आप है ना इसका नंबर लास्ट सेवन वाला आप खुद कर लेना है इसका ठीक है सेकंड और फोर्थ छोड़ना है बाकी सारे करना है और बाकी सारे करना है तो ऐसे नहीं कि जो मैं जो करवा रहा हूँ वो आप लोगों को नहीं करना आपको वो भी करना है वो भी अपना फेयर वर्क है ओके तो देखो इसके अंदर ये देखो जस्ट लिखा हुआ है सेवन अपॉइंट टेन प्लस टू अपॉइंट फाइव प्लस थ्री अपॉइंट तो सबसे पहले अगर मैं टेन फाइव और टू का अगर एलसीएम लूँगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा टू से डिवाइड ये फाइव ये फाइव और ये वन राइट अब देखो टू से तो कोई नहीं हो रहा है थ्री से कोई नहीं होगा फोर से सीधा फाइव से करना पड़ेगा वन वन एंड वन है ना ये एलसीएम आपको आना चाहिए नहीं आता तो मुझे बताना मैं क्लास के अंदर पूरा डिटेल्स आपको वापस बता दूंगा ठीक है क्योंकि छोटी क्लास की है कंसेप्ट ये तो ये तो आपको ईजिली आना आना चाहिए टू मल्टीप्लाई फाइव एल्शियम क्या गैस का टेन क्या गैस का एल्शियम टेन और मैं इसको कर देता हूं इरेज जस्ट अ सेकेंड ओके डन देखो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो अब एलसीएम आ गया टेन ये टेन लिख दिया टेन को टेन से डिवाइड वन मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से यानी कि सेवन से प्लस है तो प्लस लगा दिया टेन को किसे डिवाइड करेंगे फाइव से कितने बार डिवाइड होगा टू टाइम ऊपर टू लिखा है इसको भी टू से मल्टीप्लाई प्लस ये लगा दिया प्लस टेन को किसे डिवाइड इस वाले टू से कितने बार होगा डिवाइड फाइव टाइम मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो ऊपर लिखा है यानी कि थ्री राइट अब देखो वन मल्टीप्लाई सेवन सेवन टू मल्टीप्लाई टू फोर बीच में प्लस हो तो प्लस आ गया फोर का फोर फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन या आ गया फिफ्टीन अपन क्या गया टेन का ये टेन अब देखो ऊपर वाले को प्लस करो सेवन और फोर इलेवन इलेवन एंड ये फिफ्टीन कितना देगा ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स अपॉन टेन तो इसका आंसर क्या आ गया ट्वेंटी सिक्स अपॉन टेन तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार आंसर क्या आता था ट्वेंटी सिक्स अपॉन टेन ठीक है एक दो क्वेश्चन को सेल्व करने की ट्राई करना ईजिली हो जाएगा कोई इसमें से ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है इजी कंसेप्ट ही है ठीक है अभी तक तो, तो हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं नहीं आ रहा तो भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन तो पता नहीं बहुत बार रिपीट हो गया अभी तक है ना हमें बहुत सारे एडिशन बहुत सारे सब्जेक्शन करना है तो थोड़े से जो इसके वर्ड वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको वैसे भी अभी यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा क्यों क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा और ये वापस हमारी जो अभी तक किसी को समय नहीं कम आ रहा है तो वो भी उस टाइम पूरा आ जाएगा ओके अब देखो ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट टेन जो आंसर आया था ना अगर आप चाहो तो आप ना इसको शॉर्ट फॉर्म में भी थोड़ा सा इसको टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं ये कितनी बार थर्टीन टाइम और ये कितनी बार फाइव टाइम तो इसका लास्ट आंसर क्या आएगा थर्टीन अपॉन फाइव अगर कैंसिल हो रहा है तो आप नंबर को कैंसिल कर लो नहीं हो रहा है तो करना तो कोई ज़रूरी नहीं है ओके तो ये इसका लास्ट आंसर हो गया अब आप एक क्वेश्चन और देख लो इसका नंबर सिक्स नंबर टू फर्स्ट मैंने करवा दिया और ये मैंने करवा दिया इसका ये करना नहीं है ये करना नहीं है ये मैं करवा रहा हूँ ये मैंने करवा दिया आपको करना है नंबर सेवन नंबर सेवन जो है ना ये करना है आपको होमवर्क के अंदर करना तो ये सारी है लेकिन ये आपको खुद को सोल्व करना है पूरा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप सेल्फ करोगे और इसको एग्जैक्ट कर, कर, करेक्ट करोगे आप इसको देखो इसका लास्ट देखो टू एंड टू पॉइंट थ्री क्या बोलते हैं इसको टू एंड टू पॉइंट थ्री इसको बोलते हैं थ्री एंड हाफ क्या बोलते हैं थ्री एंड हाफ अब देखिए ये नंबर है मेरे पास जैसे इसको मुझे प्लस करना है कौन सा फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है मिक्स आप मिक्स को पहले इमप्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करोगे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इमप्रॉपर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन इमप्रॉपर बनाएगा और इमप्रॉपर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन भी वापस बना सकता है ठीक है तो ये बनेगा कैसे वो देखो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितना गया सिक्स सिक्स प्लस टू कितना आ गया एट तो एट लिखना है अपॉन में क्या आएगा यहाँ थ्री लिखा तो थ्री का थ्री आएगा वापस समझो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितना आया था सिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिक्स आ गया इसको करना होता है प्लस सिक्स प्लस टू कितना आ गया एट इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है एट और थ्री का आंसर आया जो अपॉन में लिखा वो सेम ही रहेगा वो चेंज होने वाला नहीं है इसमें देखो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन तो क्या देगा सेवन अपॉन क्या देगा टू इसके नीचे टू तो इसके नीचे भी टू थ्री है तो इसके नीचे भी क्या गया थ्री ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझना है कि इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन तो ऊपर क्या आएगा सेवन ठीक है थोड़ा सा इसको देखना और वैसे मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने पढ़ा है ये तो कोई ज़्यादा इस वाली बात भी नहीं है तो देखो अब मैं अब मुझे प्लस कैसे करना है मुझे प्लस करना है एट अपॉन थ्री और सेवन ऑफ टू का अब मुझे पीछे वाले मिक्स फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है ओके तो देखो इसके अंदर एट अपॉइंट थ्री सेवन बाई टू मैं इसको वापस लिख देता हूँ एट अपॉइंट थ्री प्लस सेवन बाई टू आप तो पूरा स्टेप बाई स्टेप लिखना आप उसको एरी नहीं करोगे क्योंकि मेरे तो स्पेस का मैंने इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ आपको तो पहले मिक्स लिखना है मिक्स के बाद में इसको लिखना है फिर आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है ठीक है तो देखिए टू और थ्री कैल्शियम क्या आएगा एक बार टू से करना पड़ेगा और एक बार थ्री से करना पड़ेगा टू मल्टीप्लाई थ्री क्या जाएगा सिक्स तो एल सी एम इसका सिक्स आएगा और एल सेम आपको आना चाहिए नहीं भी आता है तो मैं क्लास के अंदर बता दूंगा ठीक है अभी ना तो अपने पास इतना स्पेस है और ना मैं आपको बीच में बता सकता हूँ ठीक है तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ता रहूँगा इसके अंदर ताकि जब भी हमारी क्लास लगेगी ना उस टाइम हम क्या करेंगे उनको वापस पढ़ेंगे ना तो उस टाइम आपके अगर किसी क्वेश्चन में कम आ रहा है तो वो वापस उसके रिवाइज़ हो जाएगा है ना तो ये वाला अच्छा स्टेप है काफी देखिए टू तो और थ्री का क्या है तो सिक्स ये लिखा मैंने सिक्स थ्री से सिक्स को डिवाइड टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से एट बीच में प्लस तो प्लस सिक्स को डिवाइड करना है टू तो से कितना आएगा थ्री मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर लिखा यानी कि सेवन से टू मल्टीप्लाई एट सिक्सटीन बीच में प्लस ये लगा दिया प्लस थ्री मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी वन तो ये रहा ट्वेंटी वन अपॉन अपॉम में क्या लिखा सिक्स ये आ गया सिक्स सिक्सटीन को इसमें प्लस करने से क्या आएगा थर्टी सेवन थर्टी सेवन अपॉन सिक्स थर्टी सेवन अपॉन सिक्स क्या जाएगा इसका आंसर और इसको भी वैसे मिक्स के अंदर लिखते हैं लेकिन अभी आप इतना मत करो नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे मैं आपको पूरा मिक्स मैक्सप्रेक्शन कैसे बनता है बाद में समझा दूंगा आगे क्वेश्चन आएगा ना उस टाइम तो देखो ये भी हो गया अपने क्लियर पहले इसको मिक्स मैक्सप्रेक्शन को इम्प्रॉपर बनाया फिर एल लिया फिर दोनों का मल्टीप्लाई प्लस करके इनको सोल्व कर दिया ठीक है ऐसा आपको करना है पूरा डिटेल से लिखना है जैसे मैंने लिखा है पूरा कंसेप्ट के साथ में तो अब देखो मैंने ये आपके करवा दिया ये करना नहीं है ये मैंने करवा दिया ये करना नहीं है ठीक है ये करना है ये मैंने करवा दिया ये आपको सेल्फ करना है होमवर्क के अंदर ठीक है टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कंप्लीट करना है आज हमने एडिशन और सबरेक्शन दोनों सीखने के ट्राई किए फिर भी किसी को डाउट है तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना फिर भी नहीं आता तो मुझे बोल देना मैं अलग से और बता दूंगा इसके अंदर ठीक है वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि पीछे वाली क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा है और एक बार ट्राई करना आ जाएगा कोई इसमें करना कोई ज़्यादा इच्छे वाली बात नहीं है ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर उसके नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम अपने सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओके तो एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको अपने जो स्कूल का चैनल बना हुआ है पदम श्री अकेडमी के नाम से यूट्यूब के ऊपर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करना है और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे इसके अंदर अपने स्कूल में जितने भी फंक्शन हुए ना चाहे वो टीचर्स डे का फंक्शन हो अदर जो भी रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे जो भी है जिस जिसके अंदर हमने आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आपने किया है या फिर आपके जो भी क्लासमेट जो भी है आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके डांस उनके ड्रामा वगैरह जो भी इनका उनका था वो टिक्स प्रोग्राम था उनका तो वो जो सारे प्रोग्राम है ना हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सारे बच्चों को दिख भी जाएगा तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो तभी वो आपको दिखेगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको तो आप इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ओके और शेयर भी आपको करना है अगर किसी और को सेंड करना चाहते हो तो आप शेयर करके सेंड कर सकते हो ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर स्टे होम एंड कीप लर्निंग ओके बाय बाय